एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने ऐसा फेस पैक लेकर आई हूँ कि आप खुश हो जाओगे, अच्छे से अच्छी क्रीम लगाना भूल जाओगे जब इस फेस पैक को आप अप्लाई करोगे। तो अक्सर आपने सुना होगा मुल्तानी मिट्टी के बारे में, क्योंकि हमारी दादी नानी ने हमेशा इसको यूज किया है और अक्सर सालों साल से मैं भी इसको यूज करती आ रही हूँ। मैंने ये फेस पैक बनाना अपने हॉस्टल से सीखा था, क्योंकि हॉस्टल में पार्लर तो इतना जाते नहीं थे, तो हमेशा ये जो मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक होता था हमेशा रात को लगा कर सो जाया करते, सुबह इतना ग्लो आया करता था फेस पर। और तब से और अब तक मैं हमेशा इसको ट्राई करती हूँ, हमेशा इसको कहीं शादी में जाना होता है पार्टी, तो अक्सर जब भी कहीं बाहर जाती हूँ हमेशा इस फेस पैक को एक दिन पहले लगा लेती हूँ। और बड़ा ही अच्छा लगता है इसको लगा कर, और बड़ा ही ग्लो आता है फेस पर। तो ये देखिए, ये बहुत ही हार्ड होती है, टूटती नहीं है जल्दी से। तो ये आपको किसी भी किराने की शॉप पर मिल जाएगी आसानी से, या फिर आप इसको क्रश करके इस तरीके का बना सकते हो, मिक्सी में इसको कर सकते हो आप, छोटे छोटे टुकड़े डालकर मिक्सी में जो है इस तरीके के हो जाएंगे। लेकिन मैं अक्सर इतना, अगर आपके पास टाइम नहीं है, इतनी मेहनत आपको नहीं करनी है, तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा आपके लिए बता देती हूँ उपाय। तो आपको बस दो तीन टुकड़ों को इस तरीके से एक उसमें बाउल में डालकर पानी में भिगो देना है, 10 से 15 मिनट आपको वेट करना है। उसके बाद ये अपने आप ही एक पेस्ट बन जाएगा, अपने आप ये गल जाएगी पानी में। और उसके बाद मैं हमेशा इसको टमाटर के जो पल्प होता है उसके साथ इसको मिक्स करती हूँ हमेशा। तो ये देखिए, टमाटर में होता है विटामिन सी और मुल्तानी में होता है एंटीसेप्टिक गुण, और वो दोनों मिलकर हमारी स्किन पर जो वर्क करते हैं, हमारी हर समस्या से लड़ते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा इन दोनों को मिक्स करके इस तरीके से अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कीजिए, या फिर आप ब्रश की हेल्प से भी इसको मिक्स कर सकते हो और लगा सकते हो। मैं हमेशा, मुझे अच्छा लगता है कि फिंगर से लगाना, तो मैं फिंगर से लगाती हूँ अपने फेस पर। और सबसे बड़ी बात है, फेस पर ही नहीं, आप पूरी इसको बॉडी पर अप्लाई कर सकते हो, हाथ पैरों पर, जहाँ जहाँ आपको सनबर्न की प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ आपको टैनिंग ज़्यादा हो गई है, तो आप इसको हाथ पैरों में भी लगा सकते हो, और हाथ पैरों की भी रंगत को काफ़ी निखार देता है ये। तो लोग तो अक्सर इसको हेयर्स पर भी यूज करते हैं, कि हेयर की जो डैंड्रफ है, हेयर फॉल हो रहा है, उसकी समस्या को भी दूर करता है। लेकिन अब अच्छे अच्छे शैम्पू चल गए हैं, तो लोगों ने छोड़ दिया है इसको लगाना हेयर पर, कोई बात नहीं, लेकिन फेस पर तो इसको लगाना ही चाहिए, और लगाते भी हैं, और मैं तो इसको अक्सर लगाती हूँ। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा किसका रिजल्ट कैसा है। और आप अगर ट्राई किया है आपने, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा। अगर देखो आप अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र के लग रहे हो, आपकी स्किन जो है लटकी लटकी लग रही है, तो आप इस पैक को लगाइए, आपको जो है ये स्किन को टाइट कर देगा। आप इसको एक बार लगा लोगे ना, तो आप खुद महसूस करोगे कि हमारी स्किन थोड़ी टाइट हो गई है अच्छे से। तो ये स्किन को टाइट भी करता है, और जो आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं उनको भी काफ़ी हद तक दूर करता है, और पिगमेंटेशन हो रही है आपको तो भी इसको लगाइए। और सबसे बड़ी बात है, अब समर आ चुकी है, और समर में सबसे अच्छा पैक यही है फेस पैक मुल्तानी का। तो क्या होता है, समर में जब हम कहीं से आते हैं, तो क्योंकि पूरे दिन सूर्य की किरणें हमारे फेस पर पड़ती हैं, और क्या नाम है, ईचिंग वगैरह होने लगती है, तो आप नाइट में इसको सोने से पहले इस फेस पैक को लगाइए, आपको बहुत ज़्यादा ठंडक मिलेगी अपने फेस पर। और आप जो और तरह तरह के फेस पैक चल रहे हैं उनको लगाने के बजाय आप ये वाला फेस पैक लगाइए, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। अगर आप टमाटर के साथ इसको नहीं लगाना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप इसमें एलोवेरा मिला सकते हो, या फिर आप रॉ मिल्क इसमें ऐड कर सकते हो, तो आप इसको लगा सकते हो, और फिर देखना आप में कितना निखार आ जाएगा। ये 10 से 15 मिनट में सूख जाएगी इस तरीके से, ये देखिए सूख चुकी है। आप चाहो तो इसे कॉटन के हेल्प से हटा सकते हो, और आप चाहो तो इसे वॉश कर सकते हो अच्छे ठंडे पानी से। अगर आपको ऐसी छोटी छोटी वीडियो अच्छी लगती है मेरी, और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप की हेल्प हो पाए। तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए, और फेस पैक आपने लगाया और आपको क्या रिजल्ट मिला कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा निखार आया है, और हाथ पैरों में, फेस पर कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत अच्छा फेस पैक है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।